नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर बालकृष्ण कुशवाहा, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनाइटेड मेडिसिटी प्रयागराज। आज वर्ल्ड टीबी डे है। ये प्रतिवर्ष 24 मार्च को ही मनाया जाता है। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि इसी दिन रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1882 में इस बैक्टीरिया की खोज की थी और ये बोला था कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टीबी की बीमारी होती है। उसी की वजह से प्रतिवर्ष 24 मार्च को हम लोग वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं। वर्ल्ड टीबी डे मनाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि लोगों को टीबी के बारे में जागरूक करना। तो आज हम आप लोगों को टीबी के बारे में कुछ बताएंगे। टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। नॉर्मली या ज्यादातर केसेज में टीबी फेफड़े में होती है, लगभग 65-70% केसेज में, बट ये और अंग में भी हो सकती है, जैसे बोन की टीबी हो सकती है, CNS की टीबी हो सकती है, पेट की टीबी हो सकती है, लिम्फ नोड की टीबी हो सकती है, तो कहीं की भी टीबी हो सकती है। नॉर्मली जो फैलने वाली टीबी होती है वो लंग की टीबी होती है, पल्मोनरी टीबी उसको बोलते हैं, जो खांसने छींकने से फैलती है। तो इसलिए पल्मोनरी टीबी के बारे में विशेष तौर से ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हम आपको लक्षण के बारे में बताएंगे जिससे आप पहचान सकें कि पल्मोनरी टीबी इस किसी मरीज को कब बोलेंगे, कब है उसको पल्मोनरी टीबी। तो सामान्यतः जो लक्षण होते हैं, 2 हफ्ते से ज्यादा किसी को बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, खांसी के साथ में बलगम आ रहा है, भूख कम लग रही है, मरीज को थकान ज़्यादा महसूस हो रही है, ये सब सिम्टम 2 हफ्ते से ज़्यादा हैं तो हम मरीज को एक पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस सस्पेक्ट बोल सकते हैं। और ऐसा कोई पेशेंट अगर हमारे आसपास में, आपके आसपास में दिखता है तो उसको नज़दीकी अस्पताल में भेजें जिससे कि वो डॉक्टर से उचित परामर्श ले सके। अस्पतालों में आजकल बलगम की जाँच की सुविधा फ्री में है, ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों में, कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी, यहाँ तक कि हमारे मेडिकल कॉलेज में भी बलगम की जांच की सुविधा फ्री में है। तो यहाँ आ करके बलगम की जांच आप करा सकते हैं। बलगम की जांच कराने के बाद अगर लगता है, अगर उसमें टीबी का बैक्टीरिया आता है तो उसका इलाज भी मुफ्त में दिया जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इलाज दिया जाएगा मुफ्त में दिया जाएगा। इसके अलावा अभी जो नई स्कीम चली है उसमें हर टीबी के मरीज को हर महीने 500 रुपये पैसे भी दिए जाते हैं। तो जिसको भी अगर टीबी है या टीबी के लक्षण हैं, पता नहीं चल पा रहा है, उनको अस्पताल में भेजें और सही टाइम पे जल्दी से जल्दी इलाज शुरू करवाएं, जिससे मरीज भी जल्दी ठीक होगा। और जैसा कि जानते हैं कि एक मरीज से दूसरे मरीज में बीमारी फैलती है, तो उसका अगर जल्दी इलाज शुरू हो जाएगा तो अन्य लोगों को कम फैलेगी। बस इन्हीं सब के साथ में मैं अपनी बात को खत्म करूँगा।